तो आपकी आंसर ऑन एन एवरेज इज अ वेरी गुड आंसर इफ यू इंक्लूड दिस हैक्स. और 10 नंबर के हिसाब से जो 150 वर्ड का जो हमारा जो आंसर है इस हिसाब से यू विल गेट एटलीस्ट 60% मार्क्स. हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू चेक आंसर सीट लाइवली टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म. आई हैव टेकन द क्लास टेस्ट पेपर ऑफ द ड्रीम यूपीएससी ऑफ प्लूटस आईएएस एंड दिस पेपर इज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया वन. इन दिस पेपर वी हैव 4 क्वेश्चंस दैट यू विल सी इन जून आफ्टर सम टाइम. इन द 4 क्वेश्चन 1 इज ऑन 19th सेंचुरी इंडिया. इट इज अबाउट रेनेसा. It is 19th century India witness Renaissance comment. Then second question is both moderate and extremist leaders were right at their side while thinking about the future of India. Comment with suitable example. Or part A questions hai, it is of 10 marks each. And part 2 we have 2 more questions. Why were peasants and tribal movements tribals were discontent with British rule? Can we put their revolts under India's freedom struggle or not? Question 4 is Mahatma Gandhi changed the nature and quality of international movement. Critically comment. Okay. और ये हमारे स्टूडेंट है समर्था बैस के और ड्रीम ऑफ यूपीएससी जीएस बैस. तो देखते हैं कि ये स्टूडेंट ने कितना आंसर अच्छा लिखा है एंड वी विल इवैल्यूएट है ना. तो मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन दैट हाउ मच स्कोर यू विल गेट अराउंड एवरेज 50% 60%. ओके लेट्स सी है ना कि कितना इस एवरेज का आता है. सो पहला क्वेश्चन आपने लिखा है 19th सेंचुरी इंडिया विटनेस अ रेनेसा. ओके लेट अस सी. सो आपने पॉइंट्स पहले स्टार्ट किया है. यू हैव गिवन अ इंट्रोडक्शन राइट. हियर यू हैव रिटन सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी आर प्रोबेबली टर्म्ड एज अ इंडियन रेनेसा. गुड है ना. 19th एंड 20th सेंचुरी ऑल्सो ठीक है दोनों सेंचुरी का. सो इंडियन रेनेसा इज जनरली मार्क एज द प्रो पॉलिटिकल फेज ऑफ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. ओके बट दिस इज नॉट मोस्टली द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. दिस वन मोस्टली दे आर टॉकिंग अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स. नाम था हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है ना. So in the socio-religious, the people aim to focus only mostly the society plus religion. They were not completely anti-colonial. Thoda dhyan dena, theek hai? This anti-colonial system came only in the 20th century. They throw word avoid karenge likhna isme, theek hai? Which Indians were mainly engaged in social and cultural preparations for participation in the more progressive and radical political reforms. Ye thoda baad mein hua, hai na? So we will avoid writing this radical sentence in the 19th century. Yeah, ये थोड़ा सा avoid करना. Okay. So you have divided your answer into how many part? 4 part. Point number 1, intellectual awakening and modernization. Okay. Let's see. तो इसमें क्या करना था? You can have given the name of the leaders in the introduction. Leaders like राजा राम मोहन रॉय, सुभाषचंद्र विद्यासागर है ना. इन सब का नाम आप दे सकते थे जो अपने नहीं आंसर में. ठीक है. So it has a intellectual awakening and modernization. Let's see. So Indian Renaissance marked a shift from the traditional to modern thinking. This is good line, very good line. It emphasized rationality, okay, scientific inquiry, theoretical analysis, which help challenges on the outdated customs and beliefs. And इसमें हम एक orthodox belief सकते थे, orthodox beliefs. Raja Ram Mohan Roy is considered as the father of Indian Renaissance. Very nice. And he is also the first modern leader, है ना. ये भी लिख सकते थे. गुड एग्जाम्पल. इनके इफोर्ट से ही सती प्रथा बैन हुआ 1829 में. किसने बैन किया? तो नाम लिख सकते थे लॉर्ड व्हाट इज नेम विलियम बेंटिक है ना. वी कुड हैव रिटन दिस नेम. ओके देन सेकेंड प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लिटरेचर. वेरी गुड राइटिंग है ना. तो इसमें आपने न्यूज़पेपर ने लिखा ठीक है. बट यू हैव रिटन आनंद मठ वेरी नाइस. देन वंदे मातरम केसरी ये सब बाद में आया. और लोग इसमें आप लिख सकते थे राजा राम मोहन रॉय की बुक क्या है, जर्नल का नाम क्या है ना. देन कॉलेज हिंदू कॉलेज उनके फोर्स से स्टार्ट हुआ हिंदू कॉलेज है ना. यू कैन राइट अबाउट अमृत बाजार पत्रिका. क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका. यू कैन राइट अबाउट सत्यार्थ प्रकाश. याद है सत्यार्थ प्रकाश? हुआ रिटन दिस बुक दयानंद सरस्वती है ना. तो यू कैन रिटन अबाउट दिस वन. तो दिस नीड्स टू बी रेयर. देन सोशल प्लस रिलीजियस रिफॉर्म. जैसे आपने कहा सती चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन.
ईश्वरचंद विद्यासागर की फोर्स से क्या हुआ था? विडो री मैरिज ईश्वर पास. हैव यू रिटन अबाउट दैट? नहीं लिखा ना. यू कुड हैव रिटन अबाउट विडो री मैरिज एक्ट ऑफ विच ईयर? 1856. Then we have political awareness and national pride also. So Indian Renaissance sparked discussions on the political issues. For example, desire for self-governance. It was Swami Vivekananda lectures on the India's spiritual and cultural heritage. Aaj examples acha 1893 ka. Iske baad do you know Vijay, you could have written about, you know, East India Association, Bengal Presidency Association, Bombay Presidency Association, पूना सार्वजनिक सभा, ये सब के बारे में थोड़ा लिख सकते थे जो नहीं है ना. तो हियर यू कैन हैव रिटेन सम ऑफ द एसोसिएशंस आल्सो. ठीक है, ये हो गया. फिर नेगेटिव इम्पैक्ट, लेट्स सी. सो इंडियन रेनेसा हैज ड्राइवन बाय द एजुकेशनल अर्बन एलिट ओनली, वेरी नाइस, और ए मासेज में नहीं था. इट इज अ गुड स्टेटमेंट है ना. इट वॉज ऑल्सो लोकेटेड ओनली इन सम प्लेसेज, ओनली इन द बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. So lastly, Indian Renaissance of the 19th century played a pivotal role in the emergence of national identity, promoting social, cultural, religious and educational reforms. Collective efforts of reformers, writers, thinkers during this period laid the foundation for a, it's a very good conclusion, conclusion was. So your answer on an average is a very good answer. If you include these facts, or 10 numbers is aapse jo 150 word ka jo hamara jo answer is aapse, you will get at least 60% marks here, है ना. यू विल गेट 6/10/6 है ना. तो ये आपकी मार्क्स हो गए. आपको इसमें 6.57 स्कोर हो सकता था अगर आपको लिखते तो. ठीक है, तो इट इज, इट वॉज अ गुड आंसर आई कैन टेल यू. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा? बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर राइट एट देयर साइड. लेट्स सी. सो फ्यूचर ऑफ इंडिया इनविजन बाई बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स during the Indian freedom struggle reflected distinct, okay, contemporary approach. While both groups sought freedom from British colonial rule, their ideologies and methods differed. Taking point, आपको याद है और विचार थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या किया? पहले वाले introduction में थोड़ा दिक्कत थी, मतलब you have written about the future. But the point is, when moderate and extremist leaders were there, na, they were not talking about freedom from British rule. Remember, they wanted only self-rule. सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश राज. रिमेंबर, ब्रिटिश आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज ओनली पास इन द 1929 लाहौर सेशन. बिफोर दैट दिस पीपल हैड नो आइडिया. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट गुड. सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हैड सम प्रॉब्लम, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देना है. ठीक है, आई वी शुड बी क्लियर इन आवर इंट्रोडक्शन. ओके, सो द फर्स्ट लाइन इज गुड, सेकेंड लाइन यू नीड टू रिवर्क. ओके, सो मॉडरेट लाइक उपाध्याय गोखले, दादा भाई नौरोजी बिलीव इन दी ग्रेजुअल रिफॉर्म्स. वेरी नाइस, ये अच्छा पॉइंट है. और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर, बट एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी कॉन्सेप्ट ऑफ डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन वेल्थ है ना, विच कुड बी कंसीडर्ड थ्रू अ इंक्रीज पॉलिटिकल रिपरेशंस द्वारा हुआ. ठीक है, देयर अप्रोच वॉज रूटेड इन द बिलीव दैट इंडियंस फ्यूचर कुड बी सेव्ड बाई द नेगोशिएटिंग. वेरी नाइस, नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये अच्छी पॉइंट्स है. इस्टिमिस में आपने तिलक लिखा, बिपिन चंद्र पाल एंड देन लाला लाजपत राय वर सो बट रेडिकल ना, रेडिकल इन दर आउटलुक. दे रिजेक्टेड ग्रेजुअल बिलीव्स. वेरी नाइस, तिलक सुलेदन क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल, आई विल नॉट वेग फॉर इट, आई शैल हैव इट, है ना. वेरी नाइस, अच्छा पॉइंट. पर इसमें क्या करना था आपको, पहले पूरा देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको. Then we have written in detail that what is there, so racist movement में क्या participation है. Good. Both perspective were crucial in the long term. Very nice. Moderate का भी perspective also helped to maintain some level of cooperation. Example दिया, which collapsed for the legislative reforms, Indian Council Act of 1909. Very nice. 1920. आप इसमें वो नहीं लिखे हो, लखनऊ पैक्ट नहीं, तो इसमें आप लिख सकते थे 1916 का. दो पॉइंट लिखना है, 1907 स्प्लिट हुआ सूरत सेशन, 1916 लखनऊ सेशन, जिसमें ये दोनों जुड़े हैं, है ना. अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक ओनली बोथ द एस्टिमेट्स एंड मॉडरेट हैव यूनाइटेड. ओके, इन द कंक्लूजन बाय मॉडरेट लीडर्स फोकस ऑन मोर डिप्लोमेटिक एंड
वी हैव द इंक्रीमेंटल्स अप्रोच, ठीक है, उनकी अलग थी. बोथ ग्रुप इन देयर ओन वे थिंकिंग अबाउट इंडियाज फ्यूचर, वन थ्रू द ग्रेजुअल पोलिटिकल चेंज, अदर थ्रू द मास मोबिलाइजेशन एंड रेसिस्टेंस. ठीक है, अच्छा पॉइंट है. ठीक क्या है, अच्छा क्वेश्चन थ्री. सो दिस वॉज अ लिटिल बिट लेंथी, बट आपको करना क्या था, इसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं. यू कैन रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस आंसर एंड इन दिस वन यू कैन ब्रीफली राइट अबाउट समथिंग दैट. इन दिस वन यू कुड हैव रिटन अबाउट व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ स्प्लिट हैपन. स्प्लिट कब हुआ, फ्रॉम 1885 व्हेन द कांग्रेस वाज फाउंडेड एंड देन 1905, 20 साल के अंदर देर वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो वी कैन वी कुड हैव गिवन सम एग्जांपल्स, जैसे कि मॉडरेट बिलीव्स इन सोशल रिफॉर्म्स. क्वेश्चन तो दोनों का जो मेन एम था उसके बारे में बात करना था, पर दोनों में स्प्लिट कैसे हुआ, स्प्लिट को भी मेंशन. हाँ, वी हैव टू गिव द बैकग्राउंड, है ना. मेन एम तो आपने बहुत अच्छे लिख दिया एंड दिस इज वेरी गुड रीजन. तो इट इज नॉट ओनली मेन नेम, बिकॉज वी हैव टू राइट अबाउट हु आर द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. आपने एक्सप्लेन कर दिया, आइडिया इनकी अलग थी, बट वी कुड हैव रिटन दैट हु, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इवेंट, है ना, दैट लेड टू दिस स्प्लिट बिटवीन दिस टू लीडर्स, है ना. याद है 1885 टू 1905 वी हैव द एक्सट्रीमिस्ट लुक फॉर द मोर कॉमनल. क्या दिया था इन्होंने, गणेश पूजा, देन वी हैव द शिवाजी फेस्टिवल्स, सिद्धि मूवमेंट, है ना, डिवाइन. हाँ, तो सिद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया. मॉडरेट फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स, एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट वांटेड सोशल रिफॉर्म्स. ये थोड़ा ध्यान देना. तो दो चीज़ पॉइंट है यहाँ पे, हाउ एंड वाई पे फोकस करना है एंड इंट्रोडक्शन शुड बी मोर रिफॉर्म. योर कंक्लूजन ऑफ बोथ द आंसर इज वेरी गुड, है ना, बट इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी रिफॉर्म. सो इन दिस क्वेश्चन यू विल गेट सेम मार्क्स, आपको 60% आराम से मिल जाएंगे, बट यू नो यू कुड हैव स्कोर 70% 75% ऑल्सो. सो दिस इज अ गुड आंसर, बाय एंड लार्ज दिस इज अ वेरी गुड आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज अ 15 मार्क्स. क्या क्वेश्चन है, प्रेजेंट्स एंड ट्रैवल रिवॉल्व के बारे में. ठीक है, गुड, लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. So policies implemented by the British colonial rule in India during the late 18th and early 19th century had profound and devastating effects on the various segments of Indian society. Very good. क्या लिखा आपने, peasant पे भी और tribals पे भी. Their struggle was against British rulers with underlying theme connecting them as a shared experience of oppression. Often it's a very good introduction. But इसमें क्या आपको करना था, और here you could have written not only British rulers, it was local peoples. Local people mein kaun the, one was the zamindar, another was intermediaries or talukdars. Ha, to wahi zamindari ho gaye, money lenders. And then a hame note, what is the major causes, let's see. Land and this is the major, just santhal ka land tha. फोर्स्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन. फोर्थ लेबर का अपने नाम मेंशन किया है, रेदवारी, जमींदवारी, लीच ले टू थी, ओके डू यू रिमेंबर, बैठ बेगारी, याद है बैठ बेगारी सिस्टम, वेयर द संथाल, वेयर द मुंडा वर फोर्स टू गो टू द लैंडलॉर्ड प्लेस टू कल्टिवेट लैंड विदाउट एनी मनी, फोर्स्ड लेबर. सो बैठ बेगारी एक एग्जाम्पल दे सकते थे, वर्ड इज गुड, बट इफ यू रिटेन दैट especially the Munda people were forced to do the bat begari. Bat begari matlab forced labor, hai na. So they have to send their tribal population to the landlord's field, hai na, to do work cultivations. So this is a good example, hai na, but this keyword, sometime local keyword needs to be mentioned, okay, it's good. Then we have cultural suppression. Jaise example dijiye, jaise Rampa rebellion, Khoya rebellion, hai na, yaad hai Ramsoi rebellion, Kukla rebellion. कुका, ये आपने क्या लिखा, कुका रिविलियन हम मेंशन कर सकते हैं इसमें, गुड आंसर. देन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन इज गुड वन, ओके. व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द पिजन मूवमेंट, ओके, कॉजेज आपने लिख दिया, ठीक है, मैसिव फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, ऑल राइट, ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन, ओके, रीड द फर्स्ट. व्हाई वर पिजन्स एंड ट्राइबल्स वर डिसकंटेंट, यू हैव रिटन द कॉजेज विद द ब्रिटिश रूल. Can we put their revolts under India's freedom struggle?
So you have written half answer very nicely, but in detail. हाँ तो सेकेंड वन पे अप्रोच में ध्यान देना है. तो करना क्या है आपको, जो फर्स्ट टू जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है क्लॉजेस को, उसको आपको रिड्यूस करना है. सो यू हैव टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, दैट इज द क्लॉजेस ऑफ द ट्रैवल एंड पिजन रिमोट. या तो ऐसे कर सकते थे, दोनों को साथ में लिख देना, मतलब द क्लॉजेस ऑफ द वर्ड ट्रैवल्स एंड पिजन्स टूगेदर. So that you will save some word and then you can utilize these word in answering the second question. बता रहा हूँ. तो pigeons and tribal leadership both had some features. Both were fighting for their rule. Okay. Moments. और conclusion क्या है इसमें? ठीक है. इसमें approach में कैसे answer करना है? In the approach part, we can divide that should be what is the main feature. Feature क्या है इनकी? In the feature, we can divide feature into two parts. Part number one will be the strength of the movement, है ना? इनकी strength क्या थी? And second point में हम थोड़ा सा lack पे जा सकते हैं या फिर negative point दे सकते हैं. We can give a negative point. In this negative point will be we can talk about leadership. इनके leaders कौन थे? Secondly, इनका एजेंडा क्या था? लोकल एजेंडा था, नेशनल एजेंडा था? लोकल एजेंडा. देन थर्ड, एरिया कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट हुआ है. जैसे मुंडा अपराइजिंग का पूरे इंडिया में हुआ है, इट इज ओनली इन दी संथाल रीजन. कोल अपराइजिंग ओनली इन दैट रीजन. भील्स ओनली इन द रीजन. सो लीडरशिप, एजेंडा, एरिया एंड पार्टिसिपेशन. हु हैड पार्टिसिपेशन? ओनली पिजेंस हैड पार्टिसिपेशन और एवरीवन हैड पार्टिसिपेशन. So with the help of this point, we can say that these movements were very important, but these had lacking of the nationalist sentiment, जो 20th century में गांधी के time पे आए. सिर्फ अपने interest के लिए. हाँ, अब ले local local instances, but ऐसा नहीं बोल सकते. These people were completely मतलब ignorant of the nationalist feeling. These people were mostly fighting for their own cause only. और यहाँ पे लिख सकते हैं, but there are some exceptions. Like Pica Rebellion. In the Pica Rebellion, one not only the Pica people, Pica कौन थे? Foot soldier of Rajpati ruler in Odisha. So in the Pica Rebellion, other Raja and peasants had supported them. Other leaders had supported. तो कुछ rebellion इसमें ऐसे भी थे जो nationalist agenda था उनके पास. But many of the leadership had a local grievances and agenda. तो this point needs to be given more approach. क्योंकि ये आधा answer आपका ले जाएगा. तो आपने ऐसा लिखा है तो मतलब यू विल गेट नॉट फुल मार्क्स. 60% नहीं मिल पाएगा क्योंकि इफ यू हैव नॉट रिटन दिस वन, सो हियर यू विल गेट नॉट मोर देन 50%. तो अगर आपको अगर मार्क्स दिया जाए तो 7 और 7.5 में आपको मिलेगा, है ना? 7 और 7.5, तो 7 मिलेगा, 7 out of 50. सो यू कुड हैव रिटन दिस मच इन डिटेल, तो योर आंसर कुड हैव बीन मोर. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. Mahatma Gandhi changed the nature and quality of Indian national movement. Okay, that's good. Let's see. So Mahatma Gandhi played a pivotal role in the Indian independence movement against British colonial rule. He emerged as a leading figure in the Indian national movement in the 1920. Became very nice. Became known for his principles of non-violent civil disobedience. Very nice. So Gandhi had led many successful campaigns, including Salt March 1930, where he had his फॉलोअर्स मार्च टू द अरबियन सी टू प्रोटेस्ट. अब एरिया देना है. अरबियन सी कहाँ? दांडी. कहाँ गए थे? दांडी गए थे. कहाँ से गए थे? साबरमती आश्रम. वी कैन राइट अबाउट दैट. सो दिस कंपेन रिजल्टेड इन द इंडियन सॉल्ट एस्ट दिस रूट. सो आइडियोलॉजीज इन द टैक्सिस दैट सेव. ओके, इसमें क्या करना था आपको? वीजा थोड़ा सा लिखना था. नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेचर ऑफ मूवमेंट बिफोर गांधी, दिस यू नीड टू राइट. बैकग्राउंड लिखना था. हाँ, ये इंट्रोडक्शन लिख, मतलब गांधी के आने से पहले नेचर वाज मोस्टली इलीट. कैसा नेचर था? पहला, लीडर्स वर मोस्टली इलीट. लीडर्स वर मोस्टली फ्रॉम हाई कास्ट, है ना? अपर वर्ण, हाई कास्ट. देन लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट्स वर वेस्टर्न एजुकेटेड, राइट? विद इन वन लाइन यू हैव टू राइट अबाउट दिस ऑल सेंटेंस वन लाइन. देन फोर्थ,
they are from the metropolitan city of India. And when Gandhi came, he transformed the nature of this movement. और इसमें क्या कर सकते थे? आप चार्ट बना सकते थे. चार्ट आपने किसी भी आंसर में नहीं बनाया, ना चार्ट बनाया ना मैप बनाया, है ना? ये सब पे ध्यान दीजिए. So you could have made a chart where you can have written these are the important movement Gandhi had led. From the early intervention call, Champaran Satyagraha, then we have Khera, Ahmedabad, Rowlatt. फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इन अ चार्ट, नॉट इन डिटेल. लेट्स सी दैम. सो आइडियोलॉजीज एंड टैक्टिक्स दैट शेप द कोर्स ऑफ इंडिया. तो पहला पॉइंट क्या है? नॉन वायलेंस. गुड. सो अहिंसा, सत्याग्रह आपने लिखा, दैट्स गुड आंसर. गांधी नॉन वायलेंस अप्रोच, वेरी नाइस. सत्याग्रह विच मीन्स ट्रूथ, ओके, भी अच्छा पॉइंट है. देन इट इन्वॉल्व द सिविल डिसऑबिडियंस स्ट्राइक, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट्स है. ये आपने कहाँ से आंसर लिखा है? खुद से लिखा है सर. एक ये थोड़ा प्रयोग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार नेट से पढ़ के फिर खुद लिखा. ओके. देन नॉन कोऑपरेशन वाज अनदर स्ट्रेटेजी दैट गांधी हैड अडॉप्टेड, ठीक है. इसमें क्या करना था? इसमें डेट वगैरह लिखना है 1920s में, है ना. सिविल डिसऑबिडियंस मूव, ठीक है, ये भी अच्छी पॉइंट्स. डेट्स आर मेंशन हियर, दैट्स गुड. तो आंसर इज वेल एंड गुड. कंक्लूजन पढ़ते हैं आपका. महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज इमेंस. हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, हिज टैक्टिक ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट एंड हिज लीडरशिप यूनाइटेड द इंडियन मासेस, है ना, एंड द फोर्स द ब्रिटिश टू कन्फ्रंट द डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल. गांधीज लीगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज अ गुड पॉइंट, बट द पॉइंट इज दैट you could have written also those factors how Gandhi become popular. एक तो आपने लिख दिया कैसे इसने चेंज किया. तो पहले आपको ये पॉइंट करना था नेचर ऑफ मूवमेंट बिफोर गांधी, ओके. एंड इन द लास्ट यू हैव रिटन गांधी की राइज कैसे हुआ. सो हियर यू कैन हैव मेंशन अर्ली इंटरवेंशंस दैट इज लैकिंग सिंस दिस क्वेश्चन इज अप 250 वर्ड. You could have written early intervention and then you can also written about rumors. याद है? Rumor. Rumors. हाँ. That how Gandhi was perceived as a महात्मा, divine power. तब तो movement करते थे, all people were going behind him. So how did he change? तो इसमें एक point ये करना है, rumor हो गया. और तीसरा point है everyone participation. ये थोड़ा लिखना है. Everyone participation. That with the coming of earlier only upper class male these people were there. Now Gandhi came, the or lower class people, Dalit people, women people, women ho gaya, then tribals, workers, everyone had participated. So we could have focused these points. Huh? So in the second part you need to write. This mein aapko 55 ke aaspaas answer number mil jayenge, not 60%. Otherwise you could have written this part, then you could have a score 65-70%. Okay. So I will give you 8.5 here. 8.5 out of 15. So let us see how much you score. So 8.5 we have. Then 7. Kitna hua? 15.5. Then 6. 21.5. And then 6 further. Hai na? The total ho gaya? 27.5. And so total marks we have 7.5 out of 50. So what is your percentage? It's more than 50. You are expecting 50%, right? So it is around how many percentage? It's around 55% ke aas paas hai, theek hai? So you know that you have seen na what is the problems here. I hope that in the next questions, answers, class test, you will perform better. Hai na? So try to incorporate all these approaches and then with practice, you will be making yourself more active in the answer, okay?